अगली पर्व के साथ ही बाकी पर्व की भी तिथियां होती हैं आचार्य राज मिश्रा जी, और उसमें होता है चाहे आप स्थानीय तौर पर किसी त्योहार को देख लें या फिर आप सभी हिंदुओं द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको देख लें, सबकी तिथियां चाहे भाई दूज हो चाहे छठ का पर्व हो, सब पर्व तो जुड़े हुए हैं उसी तिथि से। सबसे पहले श्वेता जी, एक चीज बड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है कि दीपावली एक दिवसीय त्योहार नहीं है, ये जानना है। दीपावली पंच दिवसीय त्योहार है जी। बात यहां पूजन की हो रही है, और सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जो प्रॉपर साइंटिफिक धर्म है, जिसके अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा और प्रत्येक जो ग्रह हैं उनकी परिस्थिति कब धरती पर पॉजिटिव होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो हम लोग वो नहीं है कि साहब 25 दिसंबर को हम एक त्योहार क्रिसमस मना लेंगे, वो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ग्रह की सात्विक और नकारात्मक ऊर्जा के अनुसार चलते हैं। हम एक दिन चांद किसी और देश में दिख गया हम मना लेंगे, हम उस परिस्थिति में नहीं है। बात जब दीपावली की आती है, दीपावली 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पूजन किस दिन करना है, ठीक है। अब पूजन की दो परिस्थिति में बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात मैं दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं मायने नहीं रखता है, पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि शास्त्र वास्तविकता में क्या कह रहा है, और जो शास्त्र कह रहा है वही मान्य होगा। राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम श्री उपासक हैं, लक्ष्मी पूजक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप काली उपासना करते हैं, तंत्र उपासना करते हैं, तो 31 तारीख रात्रि में सिंह लग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर 1 तारीख की बात की जाए प्रदोष काल में अमावस्या है। मैं थोड़ा क्लियर इसको करना चाहता हूं श्वेता जी, अगर समय मिला मैं स्पष्ट निर्णय करना चाहूंगा, प्लीज डिबेट नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने समय पर उस पर विस्तार से बात किया जाए। पृष्ठ 27 उठा करके देख लीजिए, पंचांग दिवाकर देख लीजिए, मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। पंचांग दिवाकर पृष्ठ 27, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, और धर्म सिंधु के श्लोक इत्यादि का वर्णन किया, अगर जूम हो सकता है तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जूम किया जाए, और मैं निवेदन करूंगा। देखिए यहां बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्या कहा गया, सूर्य उदय व्याप्ति अष्टोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा। यदि 2 दिन तक किसी प्रकार भी अमावस्या पड़ती है और दोनों दिन भी प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो अंतिम दिन जो प्रदोष काल में अमावस्या होती है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति 40% लेकर के आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और एक 99 लेकर के आएगा नहीं मिलेगी। अब आप सोच लीजिए, 1 दिन सूर्य उदय में भी अमावस्या है, सूर्य अस्त में भी अमावस्या है, प्रदोष काल में भी अमावस्या है, धर्म सिंधु कह रहा है, निर्णय सिंधु कह रहा है, तिथि निर्णय कह रहा है, उसके साथ साथ पुष्कर पुराण कह रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, सब लोग कह रहा है, सब कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक और पंचांग की बात कर लूं, राजधानी पंचांग कह रहा है, विश्व विजय पंचांग कह रहा है, मार्तंड पंचांग कह रहा है, पंचांग दिवाकर कह रहा है, लेकिन हमारे यहां कुछ स्वघोषित, शायद मुझे नहीं पता कि किस परिस्थिति में कह रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत की नहीं जी, 1 तारीख को किया जाएगा, अब 31 को किया जाएगा। अब आप क्लियर कीजिए, ये पंचांग स्पष्ट कह रहा है, देखिए पंचांग की बात कर रहा हूं, पंचांग में ये डेट लिखी हुई, और आपको क्लियर कर दूं, अब कह दिया गया कि जी रात को है नहीं तो रात को ऐसे माना जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, मेरे पास एक ही पंचांग नहीं है, 30 अक्टूबर 1951 को इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अगले दिन मैंने कहा कि डिबेट नहीं है, इसलिए अपनी अपनी बारी में बोला जाए। 1951 में 6:05 पर सूर्योदय होता है और 31:35 की अमावस्या तिथि यानी रात्रि में खत्म, निश्चित काल या महानिश्चित काल उसमें नहीं आती है। लेकिन दीपावली कब मनाया गया, आप लोग चाहे तो 100 वर्ष का पंचांग खोलकर दिखा सकता हूं, आइए चेक कर लीजिए, देख लीजिए 1951 का पंचांग और 100 वर्ष का पंचांग, 1-2 वर्ष का पंचांग लेकर नहीं बैठा हूं। स्पष्ट रूप से कहा किस दिन अमावस्या मनाई गई, अमावस्या मनाई गई उस दिन, आप उठा करके देखेंगे 30 अक्टूबर 1951 को, जबकि अमावस्या तिथि लक्ष्मी पूजन किया गया, जबकि अमावस्या तिथि महानिश्चित काल के अंतर्गत नहीं रही। तो उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई 1956 में 2 नवंबर को, जहां पर रात्रि में निश्चित काल या महानिश्चित काल में अमावस्या नहीं थी, लेकिन उस दिन दीपावली मनाई गई। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 1962 28 अक्टूबर, लेकिन मनाया गया। सेम परिस्थिति उत्पन्न होती है 24 अक्टूबर 1965, ठीक है आचार्य जी, तत्वों के साथ ऐतिहासिक तत्वों के साथ भी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा,
हम दीपावली क्यों मनाते हैं? मनाते हैं क्योंकि भगवान राम का आगमन हुआ था। आपको पता है सत्येंद्र दास जी का स्टेटमेंट है, राम मंदिर के अंदर जहां दीपावली मनाई जाएगी वो 1 तारीख को मनाई जाएगी। और एक बात और बता दूं, आप लोग जो कह रहे हैं कूतब बेला के अंदर पितृ पूजन का वर्णन है, और कूतब बेला जो है वो दोपहर का समय होता है 11-24, राजकुमार शास्त्री जी बात कर रहे थे 11-24 के बाद, 11-24 से लेकर के 12 बजे के बीच में, और उसके बाद लिखा है कि विदाउट पितृ पूजन के लक्ष्मी पूजन नहीं हो सकता है। भगवान राम का जन्म हुआ, सबकी बात हो जाए, एक बार सबकी बात एक हो जाए। और देखिए प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर राम की पैड़ी पर बैठे हैं, जहाँ पर सरयू जी के साथ में यहाँ पर जो दीपोत्सव होता है हर वर्ष, इस साल हालांकि 30 अक्टूबर को हो रहा है, 30 तारीख को दीपोत्सव है, या छोटी दिवाली जिसको कहते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जी राम मंदिर में 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। अच्छा, सत्येंद्र दास जी ने स्पष्ट कहा, मेरे पास वीडियो, पंडित प्रतीक भट्ट जी आप बताइए। श्वेता जी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और जब ये कहा जा रहा है कि अमावस्या के दिन प्राकट्य दिवस है माँ लक्ष्मी का, जब ये कहा जा रहा है कि महानिशीत की रात्रि के समय ही पूजा होनी चाहिए, और ये साधना का समय है, सिर्फ पटाखे छुड़ाने का समय नहीं है, ये लोगों को सिर्फ इसमें इसी तक सीमित कर रखा है। जब साधना का समय है, प्राकट्य दिवस है, उसी के साथ साथ कहा जाता है प्रदोष व्यापनी अमावस्या चाहिए, प्रतिपदा रहित होनी चाहिए, तो हम कैसे 1 तारीख को मना सकते हैं? प्रतिपदा 1 तारीख को जब लग रही है तो आप उस दिन पूजन नहीं कर सकते। हाँ, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि व्यापारी वर्ग कर सकता है, इस बात से मैं तर्कसम्मत हूं, मैं या निर्णय सिंधु धर्म सिंधु को चैलेंज नहीं कर सकता, सर्वसम्मति से हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा जब प्राकट्य दिवस से लेके प्रतिपदा युक्त तिथि नहीं मिल रही है तो आप क्या इसके पीछे तर्क देंगे? सिर्फ एक तर्क है 1 तारीख को, जो मैं भी सपोर्ट करता हूं, उसका सिर्फ इतना तर्क है कि स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में इस पूजन का वर्णन किया गया है, राहु का नक्षत्र है, राहु अंधकार है, कहा जाता है दीपोत्सव से अंधकार को खत्म किया जाता है, लेकिन यहां समझना होगा सिर्फ एक नक्षत्र की वजह से आप 1 तारीख को नहीं मना सकते, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी में नक्षत्र का महत्व है, रोहिणी नक्षत्र के बगैर नहीं मना सकते, यहाँ तिथि का महत्व है, यहाँ स्वाति नक्षत्र का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं कमतर है, और अमावस्या तिथि आपको जब पूरी तरह से नहीं मिल रही है, आप क्या ये उम्मीद करते हैं भारतवर्षों से कि 15 मिनट के अंदर लोग पूजा कर लें? 15 मिनट तो हमें दीप जलाने में लग जाते हैं, आप कैसे 1 तारीख को पूजा करवा सकते हैं और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जिसमें साफ कहा गया है माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो किसी तरह से भी ये तर्कसम्मत नहीं दिखता है। उसी के साथ साथ एक चीज आपको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों का महत्व है, निश्चित तौर पर कुछ अच्छे योग 1 तारीख को मिल रहे हैं, लेकिन जब आपको रात्रि में प्रतिपदा तिथि लग रही है तो आप राहु से लेके साधक जो लोग हैं वो पूजा कैसे कर लेंगे? तो निश्चित तौर पर कोई तर्क नहीं बनता। हाँ, इस बार ये जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए धर्मशास्त्र या कोई ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है, यहाँ समस्या हुई है कुछ पंचांग की वजह से, कुछ पंचांग ने जो 5-22 और कुछ ने जो 6-22 का समय दे दिया है उसकी वजह से ये सारी बहस हो रही है। हाँ। क्योंकि वहां पे प्रदोष काल 1 तारीख को भी मिल जा रहा है, तो लोग बार बार ये कह रहे हैं फिर 1 तारीख को क्यों ना कर ली जाए, स्वाति नक्षत्र भी मिल जाएगा, 6:30 बजे से 6:15 के आसपास वृषभ लग्न भी मिल जाएगी जो कि स्थिर लग्न है, क्योंकि धन की पूजा, धन देवी की पूजा स्थिर लग्न में होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप धर्म सिंधु के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि अमावस्या तिथि का महत्व है ना कि नक्षत्र का, और हर जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है कुछ त्यौहार नक्षत्र आधारित होते हैं, कुछ तिथि आधारित, जैसे कि करक चतुर्थी, करवा चौथ, वो तिथि आधारित है, अमावस्या की दिवाली का वर्णन है, ना कि चित्रा, माफ करिएगा, स्वाति नक्षत्र का वर्णन, तो ये थोड़ी सी चीज समझने लायक। ठीक है।